कार्बन फुटप्रिंट हमारे थर्मल पावर स्टेशन बना रहे हैं और कार्बन फुटप्रिंट अनकैलकुलेटेड ये नंगे तारों द्वारा बिजली सप्लाई से बन रहा है। 1000 किलोवाट बिजली जो नंगे तारों द्वारा सप्लाई दी जाती है उपभोक्ता तक जाते जाते वो मात्र 700 या 800 किलोवाट रह जाती है। तो हमने हमारी ही पोथी बनाई और हमने ही हमारी पोथी वाची। कला के कई आयाम होते हैं और हर आयाम में एक अलग ही खूबसूरती निहित होती है। आज हमारा एकाग्र एनजीओ भी इसी खूबसूरत क्षेत्र से जुड़ा है। नमस्कार, मैं अनमोल सोनार एकाग्र एनजीओ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। एकाग्र एनजीओ के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि एकाग्र एनजीओ आर्ट, आर्टिस्ट और क्रिएटर्स के लिए डेडिकेटेड है। एकाग्र एनजीओ के जरिए हम हमारी खत्म होती धरोहर को बरकरार रखना चाहते हैं, जैसे फोक आर्ट, लोकगीत, किस्से कहानियां जैसी कलाओं को संजो कर रखना चाहते हैं। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्रिएटर्स मीट प्रोड्यूस्ड बाय एकाग्र एनजीओ। ऑन द ओकेजन ऑफ एनवायरमेंट डे वी हैव इनवाइटेड अ वेरी रेनाउंड आर्टिस्ट मिस्टर राजेंद्र भाटिया। राजेंद्र जी के बारे में मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही काफी है। He has been a practicing artist, painter and sculptor and editorial board member of International Journal of Arts. Rajendra ji, मूल रूप से जल रंगों यानी वाटर कलर्स के कलाकार हैं। वे तरह तरह के स्टाइल और माध्यमों का उपयोग करते रहते हैं। वह एक कलाकार के रूप में परिपक्व हो चुके हैं। इम्पास्टो पेंट और ऑयल ऑन पेपर वर्क के साथ उनका काम सराहनीय है। सर बताइए, हमें पर्यावरण दिवस मनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि हमारे मन में एक आत्मग्लानी है। हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, उसकी आत्मग्लानी है। चाहते न चाहते हुए भी हमने हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत यूज करा है। इतना यूज करा है कि चाहे पर्यावरण का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, और फिर चाहो तो हम साल में 2-4 बार भी पर्यावरण दिवस मनाने के लिए तैयार हैं और मनाते ही हैं, जैसे कि अर्थ दिवस और पौधारोपण दिवस, पानी बचाओ अभियान, ये सब हमारे आत्मग्लानी के ही पार्ट हैं। और मैं तो कहता हूँ कि पर्यावरण दिवस मनाने की आत्मग्लानी को दूर हो जाना चाहिए और कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए कि हम पर्यावरण की सेवा कर पाए और उसका दोहन बंद कर दें। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मनुष्य को तर्कहीन, असंतुलित एनर्जी की, पावर की जरूरत शुरू से रही है। हम किसी भी प्रकार से, चाहे कितना भी हमें प्रकृति का या पर्यावरण का यूज करना पड़े, हम करने को तैयार रहते हैं। अब देखिए, जैसे बिजली की आपूर्ति की बात कर लें अपन, घरों में, रेलवे में या फिर इंडस्ट्री में हमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन में, डीजल, पेट्रोल, गैस, केरोसिन, ये भी हमें घर या इंडस्ट्री में ज़रूरत लगती है। अब हम ना चाहते हुए भी या मन को दुखी रखते हुए भी इसकी आपूर्ति पर्यावरण से ही करते हैं, प्रकृति से ही करते हैं। अब बात उठती है, क्या हम पर्यावरण बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? हम पर्यावरण के लिए करते हैं, जैसे कि हमने प्लास्टिक बैन करा दिया, पौधारोपण शुरुआत करा दी, या फिर पानी बचाओ अभियान शुरू कर लिया, और ये पेपर बचाओ अभियान भी तो इसी का हिस्सा है। तो क्या यह सब पर्याप्त नहीं है राजेंद्र जी? पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप एक ग्लोबल वार्मिंग को ही देख लीजिए ना, हमने सब कुछ करा, प्लास्टिक बैन करा, पेपर यूज करना कम कर दिया, और तो और कहेंगे कि पानी बचाओ अभियान शुरू कर दिया, लेकिन एक ग्लोबल वार्मिंग को देखिए आप, क्या ये रुक पाई? ये तो आगे चलते जा रही है ना, बढ़ते ही जा रहा है वार्मिंग। फिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? यह घरों पर लगने वाले पावर या बिजली की जरूरतों को कम करा जाए, या
फिर कुछ इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाए, क्या यही एक उपाय है राजेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक प्रकार से जो पावर की डिमांड है या इंडस्ट्रीज की डिमांड है, ये तो हमारी प्रोग्रेस बताती है। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे दिक्कत है जिस प्रकार से ये प्रक्योर करी जाती है, उसमें हम उसका नेचर का यूज़ करते हैं। इसमें जो प्रोक्योरमेंट का तरीका है, इसको हमें बदलना होगा, यहाँ से हमें प्रॉब्लम आती है। चाहे ये बात हम कहें कि घरों के बिजली की ज़रूरत हो, या इंडस्ट्री के बिजली की ज़रूरत हो, या पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत हो, ये आपूर्ति हम कहाँ से कर रहे हैं, एक अपन विश्लेषण करके देखते हैं। अपने भारत को ही ले लो, अपने यहाँ पे 106 तो बिजली ताप बिजली घर हैं, थर्मल पावर स्टेशन। इसके अलावा हमारे पास में अपने न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये करीब 7 हैं। और तो और आपको मैं बता दूं कि 21 न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते? मैं आपको और डिटेल में बताता हूं। एक तो ये बहुत हाई टेम्परेचर डाल के और बिजली का उत्पादन करते हैं, दूसरा इनका सप्लाई का जरिया, ये दूर दराज में पावर स्टेशन बनाए जाते हैं और 100 किलोमीटर पावर की लाइंस हैं जो डाली गई हैं। नंगे तारों से हम बिजली घरों तक पहुंचाते हैं, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 1000, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, कि 1000 किलोवाट बिजली अगर हम प्रोड्यूस करते हैं इन थर्मल पावर स्टेशन पे, तो उपभोक्ता कितनी कर पाता है? उपभोक्ता 700 से 800 किलो वाट बिजली यूज़ कर पाता है, बाकी के 300 या इससे ज़्यादा किलो वाट बिजली कहाँ जाती है? ये हमारे हवा में घुल मिल जाती है, तापमान बढ़ा देती है। और तो और आप बात करें कि पेट्रोलियम की, डीजल की, इसके भी ताप घर हैं, इनको भी जला के बिजली बनाई जा रही है। यह तो बात हुई सरकारी महकमा की, लेकिन क्या हमारी सोसाइटी भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है? जहां तक सोसाइटी की बात करें, तो जाने अनजाने में वो भी इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में भागीदार है। एक तो हम जानते ही हैं कि प्लास्टिक का यूज़, टिन का यूज़, पानी में पोल्यूशन, हमारे व्हीकल से निकले हुए धुएं से हवा का पोल्यूशन, ये भी भागीदारी दे ही रहे हैं। दूसरा है कि मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनिएगा कैसे अनजाने में हमसे पर्यावरण को नुकसान हो जाता है। मेरे एक दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ शहर में रहते हैं, उनका बेटा करीब यही कोई 40-50 मिनट की दूरी पे यहाँ से रहता है, और बेटी तो 1.5-2 घंटे की डिस्टेंस पे रहती है। हम सबों के पास में कार हैं अपनी, और हम वीकेंड पे मिलते हैं और पार्टी मनाते हैं। भैया मेरे, आपने जाने अनजाने में एक साधारण परिवार के बनिस्बत 2 गुना से ज़्यादा तो जगह उपयोग कर ली, और साथ में बिजली, पानी, इन सब का भी, एक कंपेटिव स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इन सब का भी उपयोग आपने बढ़ा दिया, तो ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाया? आपका यह विश्लेषण हमें किस दिशा की ओर इशारा कर रहा है? क्या हमारी गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता, या हम अपनी आत्मग्लानी के साथ ही पर्यावरण दिवस मनाते चले जाएंगे? देखिए, आपके प्रश्न के उत्तर मेरे इस विश्लेषण के अंदर ही समाहित है, और तो और भी आने वाले क्वेश्चन इस विश्लेषण में से निकाले जा सकते। जैसे मैं बताऊं आपको, मेरे कुछ सुझाव हैं जिन्हें आप समझिए, अच्छे से उसे रीड कीजिए और उन्हें क्रियान्वित करिए। पहला, जैसे कि मैंने बताया आपको,
कि सप्लाई दूर दराज से आ रही है, कई 100 किलोमीटर दूर से आप बिजली सप्लाई दे रहे हैं, हवा में बिजली लॉस हो रही है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो वायर्स हैं इनको इंसुलेट कर दीजिए। काफ़ी मोटे मोटे वायर होते हैं, इंसुलेशन में खर्चा आएगा, ठीक है, लेकिन इनको आप इंसुलेट कीजिए, कवर कर दीजिए। दूसरा, इन वायर को हवा में ही क्यों चलाना, इसे जमीन के थ्रू चलाइए। और सबसे बड़ी बात, मैं इससे तीसरा पॉइंट बोलता हूं कि क्यों ना हम बिजली का उत्पादन घरों में करने लग जाएं, ये इतने लंबे सप्लाई की जरूरत ही ना पड़े, या फिर इंडस्ट्री के अंदर ही सप्लाई प्रोडक्शन शुरू करें और उसका सप्लाई ले लें, या उसके आसपास की जगहों को यूज कर लें। तो ये तीन चीजों से अपन, और सबसे बड़ी बात, जो प्रोडक्शन हम करें वो नॉन कन्वेंशनल, दैट मीन्स रीयूजेबल एनर्जी से करें। इसमें कतई हाइड्रोकार्बन्स, जैसे हम जला के और बिजली उत्पादित अभी तक करते आए हैं, उसका उपयोग बंद कर दें। ये मेरे सुझाव डेफिनेटली बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि इसमें खर्चा आएगा, पर ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि जो खर्चा आएगा उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि लॉस मेरे हिसाब से 30% तक है। अब आप सोचिए कि 300 किलोवाट प्रोड्यूस करने के लिए, 1000 वाले को एग्जांपल लिया मैंने, तो 300 किलोवाट लॉस हुआ, और 300 किलोवाट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना पैसा खर्च के एक और पावर स्टेशन बनाना पड़ेगा कि उससे 300 किलोवाट आए। उसकी जगह आप वो खर्चा कर रहे हो इंसुलेशन में, वो खर्चा कर रहे हो आप उसको अंडरग्राउंड वायरिंग करने में, और ये सब छोड़ दो तो उसको खर्चा कर रहे हो आप घरों में अपने आप की खुद की बिजली सोलर से या विंड टर्बाइन से या पंचक्की से, जो पुराने वाली पंचक्की उससे आप कर लीजिए। मेरा सुझाव ये कहता है कि ये जो आजकल छोटे विंड टर्बाइंस मिलने लगे हैं 1 किलोवाट 2 किलोवाट के, ये हमारे को हर घर के लिए या इनमें के 4-5 एक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी है, और छोटे उद्योग के लिए बोल रहा हूँ, बड़े उद्योग में हम लोग ज़्यादा बड़े ऑप्शन देख सकते हैं, और इनको आप यूज़ करें। विंड टर्बाइन का एक फ़ायदा और है जो हम सब जानते हैं, लेकिन हम उसको चूँकि ये बड़ी यूनिट में ही हमने देखा है तो हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते, और वो फ़ायदा है कि ये दिन में भी बिजली प्रोड्यूस करता है और रात में भी ये बिजली प्रोड्यूस करता रहता है, तो पावर का सप्लाई कंटिन्यूस मिलेगा आपको। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर हम ये सब्सिडी वाला जो काम है, अभी आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जो गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी के लिए सब्सिडीज दी हैं या सोलर एनर्जी बना देने के लिए परमिशन दी है, वो सिर्फ और सिर्फ बंगले वालों को मिलती है। मध्यम वर्गीय परिवार जो कि ज़्यादा करके छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, उनको ना सब्सिडी है ना इसकी परमिशन है। मेरे भाई, इन सबको हमें साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि मेन कंजम्पशन और मेन तकलीफें मध्यम वर्गीय परिवार की ही हैं। इनको आप साथ लीजिए, इनको कोई ना कोई अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने का मौका दीजिए, और एक स्लोगन आप बना के चलिए, और वो स्लोगन है कि क्या आज आपने जो एनर्जी यूज़ करी है वो प्रोड्यूस करी कि नहीं। तो गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि नहीं, हम इसके लिए आपको सब्सिडी देंगे, पहली बात परमिशन देंगे, और उसके ऊपर सब्सिडाइज रेट पे आपको आपसे बिजली नेट मीटरिंग में हम लेंगे। सो ये एक बड़ी बात है। अब इसके अलावा अपने को
कई जगह ऐसी मिलती हैं पथरीली इंडस्ट्री के पास खास करके, जहां आप प्लांटेशन कर ही नहीं सकते, तो अब वहां पे आप सोलर एनर्जी के प्लांट्स लगाएं या फिर आप विंड पावर एनर्जी के प्लांट्स लगा लें और उनको पास की इंडस्ट्री में सप्लाई करें। मेरा दुखती नब्ज एक ही है कि लंबी दूरी के तार न बिछाएं। तो जितना हम जगह जगह पे पावर के सप्लाई दे देंगे उतना अच्छा है। इसके अलावा अब आप पेट्रोल डीजल पे आ जाइए। मेरे हिसाब से आज के समय में 95-98% व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल पे चल रहे हैं। इसे 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने की कोशिश करना चाहिए। हवा का पोल्यूशन रुक जाएगा और हमें हाइड्रोकार्बन जो जमीन के नीचे से निकाला जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसकी नीड ही खत्म हो जाएगी। अब इसकी आपूर्ति कहां से करी जाए? देखिए, मैं वही बात पे वापस आता हूं कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से और उसको भी रिचार्जिंग सोलर एनर्जी से या विंड एनर्जी से करे जाए। यानी कि हर 2 किलोमीटर में शहरों में आप सोलर पैनल या विंड टरबाइन के रिचार्जिंग स्टेशन बना दीजिए। और यही चीज हाईवे पे या शहर से दूर हर 50 किलोमीटर पे लगा दीजिए। यहाँ पे आपको अलग से बिजली सप्लाई देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप में सक्षम रहेंगे और सुचारू रूप से हम हवा की गर्मी को रोक लेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर देंगे। और तो और इतना सब हो जाने पे आप देखेंगे कि हमें क्लीन हवा मिल रही है, हमें साफ पानी मिल रहा है ना, और खर्चे बच रहे हैं, पृथ्वी को नुकसान नहीं हो रहा, नेचर को आप नुकसान नहीं कर रहे। तो इसको इंप्लीमेंट करें साहब। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए इस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कोई संदेश देना चाहेंगे राजेंद्र जी? हाँ, पर्यावरण दिवस के लिए मेरा संदेश है, देखो भाई, सूरज की गर्मी को, सूरज की तपन को ना कोई रोक पाया है ना रोक पाएगा। साथ में जो हवाएं चल रही हैं उनको भी कोई नहीं रोक पाएगा ना बदल पाएगा। तो हम कर क्या सकते हैं? इसी को यूज करके, इसी को अपना के हमारे आज की जरूरतों को, हमारे आज की पावर की जरूरतों को और आने वाले पीढ़ियों की पावर की जरूरतों को पूरा करते हैं। साथ के साथ हम ये देखें कि कोई भी किसी भी हालत में पृथ्वी में जो हाइड्रोकार्बन रखे हैं उनको जला के हमारे पावर की रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश ना करें। एक दिन जरूर आएगा दोस्तों जब हम कह सकेंगे कि हाँ, धरती का तापमान कम होने लगा है, वायु स्वच्छ होने लगी है और पानी भी स्वच्छ मिलने लगा है। फिर हम कह सकेंगे और बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे कि मैं आज पर्यावरण दिवस मना रहा हूँ और हर दिवस पर्यावरण दिवस होगा बगैर मेरी कोई आत्मग्लानी के। मैं इस एपिसोड के लिए एकाग्र जो संस्था है, जो एनजीओ है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और चाहूँगा कि ऐसे और भी आगे वक्ताओं को बुलाएं और जिनके पास में एक अच्छी रिसर्च करी हुई विधि है इस पर्यावरण को बचाने के लिए, वो क्रियान्वित करने के लिए कुछ करा जाए, ऐसा हम प्रण लें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत। आपके सजेशंस काफी इंटरेस्टिंग है और एकाग्र एनजीओ के जरिए हम भी कोशिश करेंगे पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा बचाने की। और मैं अपनी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वे भी राजेंद्र जी के सजेशंस के साथ पर्यावरण को बचाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एकाग्र एनजीओ के नेक्स्ट एपिसोड में एक नए क्रिएटर के साथ। जय हिंद, जय भारत।